सोनभद्र में आयोजित जिला स्तरीय प्रतियोगिता में जिले के 8 ब्लॉक से लगभग 1400 बच्चों ने प्रतिभाग किया, जिसमें क्रिकेट, वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी और पीटी सहित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। बच्चों ने अपने प्रस्तुति से लोगों का मन मोह लिया। जिला बेसिक अधिकारी ने बताया कि इसमें विजेता टीम अगले 2 दिन बाद मंडली स्तरीय प्रतियोगिता भी सोनभद्र जनपद के डाइट ग्राउंड में आयोजित की जाएगी। सोनभद्र जिला मुख्यालय के डाइट ग्राउंड में जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस ब्लॉक प्रतियोगिता में जिले के बच्चों ने प्रतिभाग किया। इस प्रतियोगिता में लगभग 1400 बच्चों ने प्रतिभाग किया। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि इनमें से विजेता टीम आगामी 2 दिन बाद होने वाले मंडल स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। मंडल स्तरीय प्रतियोगिता में सोनभद्र, मिर्जापुर और भदोही की विजेता टीमें प्रतिभाग करेंगी। बेसिक विभाग की तरफ से क्या कार्यक्रम है, कितने ब्लॉक के बच्चों ने हिस्सा लिया है? ये हर साल जो है ये प्रतियोगिता आहूत होती है, परिषदीय विद्यालयों के बच्चों की खेलकूद प्रतियोगिता होती है। पहले न्याय पंचायत स्तर पे होता है, फिर वहाँ से जो उच्च उत्कृष्ट कोटि के बच्चे होते हैं, फिर ब्लॉक स्तर पे उनकी प्रतियोगिता होती है, फिर ब्लॉक स्तर से चयनित होकर जिले स्तर पे प्रतियोगिता संपादित कराई जाती है। जिले स्तर से जो विजेता होते हैं फिर वो मंडल स्तर पे खेलते हैं, वहाँ से विजेता होते हैं तो राज्य स्तर पे बेहतर निष्पादन करते हैं। और ये हमारे 8 ब्लॉक हैं जनपद सोनभद्र में, और 8 ब्लॉक के लगभग 1500 बच्चे हमारे इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, जो न्याय पंचायत स्तर और ब्लॉक स्तर के उत्कृष्ट खेल में प्रदर्शन किए हैं, निदर्शन इनका क्या रहा वो जिला स्तर पे प्रतिभाग कर रहे हैं। इसके बाद हमारा मंडल स्तर का परसों से फिर उद्घाटन है। मंडल स्तर इस बार जनपद सोनभद्र को ही कराना है और 2 दिन का कार्यक्रम है, तो जो उत्कृष्ट इसमें होंगे वो जनपद सोनभद्र का इस मंडल स्तर की प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसमें मिर्जापुर और भदोही की टीम भी प्रतिभाग करेगी।